नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों कुदरत अपना कहर बरपा रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के बाद तबाही का आलम है। इस घटना में कई लोग लापता हो गए। ऐसे में अब भारतीय वायुसेना की अगुवाई में सर्च ऑपरेशन जारी है। गुरुवार को भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया। यहाँ कुल 20 लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। वायुसेना कुल 3 हेलीकॉप्टर की मदद से सर्च अभियान चला रही है। हालांकि गुरुवार को खराब मौसम के चलते सर्च ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वायुसेना के अलावा NDRF, SDRF की टीमें भी सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इसके अलावा फंसे हुए लोगों तक जरूरत का सामान पहुँचाने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ लाहौल स्पीति में भी खराब मौसम की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक फंस गए हैं। पिछले 4 दिनों से केलांग और उदयपुर के बीच कुल 221 लोग फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें से कुल 191 लोग हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हैं, जबकि 30 पर्यटक बाहरी राज्यों से आए हैं। अभी अस्थायी तौर पर प्रशासन की तरफ से इन्हें खाने पीने और रहने का इंतजाम किया गया है। अगर आज मौसम सही रहता है तो हेलीकॉप्टर की मदद से इन लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा और इसके बाद मनाली शिफ्ट किया जा सकता है। बता दें कि 28 जुलाई को बादल फटने के बाद जिला मुख्यालय केलांग से लगभग 15 किलोमीटर दूर लाहौल स्पीति के उदयपुर उपखंड में तोजिंग नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी, जिसमें 7 लोग बह गए थे। इसके अलावा 3 लोग लापता हैं, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वो भी पानी के तेज बहाव में बह गए होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।